आईआईटी कानपुर के हेलीकॉप्टर लैब के डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर मंगल कोठारी ने छात्रों के साथ मिलकर एक आईसी इंजन आधारित मानव रहित ड्रोन का निर्माण किया है। ये ड्रोन 4 से 5 किलो सामान उठाकर 3 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। इन खूबियों के कारण ये ड्रोन आंतरिक सुरक्षा, आपदा ग्रसित क्षेत्रों में बचाव सामग्री पहुंचाने जैसे अनेक कार्य में उपयोगी है। भारत में मौजूद अन्य ड्रोन के मुकाबले में ये ड्रोन काफी बड़ा है, जिससे इसकी स्थिरता पर असर पड़ता है। इसकी खास बात यह है कि पूर्णतः स्वचालित होने के कारण कोई भी सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति बहुत ही थोड़ी सी प्रशिक्षण के बाद, बहुत ही थोड़े से प्रशिक्षण के बाद इसको आसानी से नियंत्रित कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस ड्रोन को स्थिर और मानव रहित बनाने के लिए छात्रों ने, इसके अलावा ड्रोन के कुछ अहम अंगों की भारत में उपलब्धता न होने के कारण इनका निर्माण अपनी लैब में किया है। विभिन्न परिस्थितियों में ड्रोन की उपयोगिता परखने के लिए इसका परीक्षण लद्दाख एवं पोखरण में भी किया जा चुका है। हम उच्च स्तर का ऑटो पायलट का पेपर शोध कर रहे हैं। इस शोध से हम चाहते हैं कि ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी स्थानों पर, जहाँ पर वेग ज्यादा हो, यह विमान अच्छी तरीके से उड़े, जो स्टेबल रहे। विभिन्न सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को अपनी सेना से जोड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिसके लिए इन दोनों प्रोफेसर ने छात्रों के साथ मिलकर एंड्योर एयर सिस्टम्स नाम की कंपनी का गठन किया है। हमें गर्व है कि ये टीम भारत की एकमात्र टीम है जो सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर UAVs पर कार्य कर रही है।